नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरें क्या क्या हैं, रुक कर लेते हैं। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते संकट पैदा हो गया है, स्थिति भयावहता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से गुरुवार की रात बात भी की और राज्य में भारी बारिश और बाढ़ जैसे बने हालात पर चर्चा भी की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है और महाराष्ट्र में भारी बारिश और नदियों में उफान आने से कोंकण रेलवे मार्ग पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित भी हुई और करीब 6,000 यात्री फंस गए। वहीं भारी बारिश की वजह से मुंबई सहित राज्य के कई अन्य हिस्सों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से अधिकारियों को बचाव कार्य में प्रशासन की मदद के लिए एनडीआरएफ को भी बुलाना पड़ा। साथ ही कोंकण रेलवे मार्ग प्रभावित होने की वजह से अब तक 9 रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन भी किया जा चुका है या रद्द किया गया है या उनके मार्ग को छोटा कर दिया गया है। बता दें, भारी बारिश की वजह से कोंकण क्षेत्र की प्रमुख नदियां रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और सरकारी अमला प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगातार हो रही बारिश की वजह से इन दो तटीय जिलों में उत्पन्न स्थिति की समीक्षा भी की। वहीं भारत मौसम विभाग की तरफ से तटीय क्षेत्रों के लिए अगले 3 दिन की भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। बता दें, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने और नदियों के जलस्तर पर नजर रखने और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश भी दिया है। वहीं कोंकण रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मार्ग पर 9 ट्रेनों के मार्ग बदलाव किया गया है और उन्हें गंतव्य से पहले रोका भी गया है या रद्द कर दिया गया है। साथ ही कोंकण रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ये ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर सुरक्षित स्थानों पर हैं और उनके अंदर और मौजूद यात्री भी सुरक्षित हैं। साथ ही उन्हें खाने पीने का सामान भी मुहैया कराया जा रहा है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी में चिपलून और कामठे स्टेशन के बीच विशिष्ट नदी पुल का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से बने एटा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाली 30 जुलाई को करेंगे। बता दें, एटा मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण की तारीख घोषित हो जाने के बाद यहां काम को अंतिम रूप देने की स्पीड और तेज कर दी गई है। साथ ही एटा का बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज एटा मारखा रोड पर शराब गांव में स्थित है। ये मेडिकल कॉलेज कुल 21,684 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 60% केंद्र और 40% राज्य का अंश है। ये कुल 25 एकड़ जमीन पर बना हुआ है और कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज ने इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। बता दें, मेडिकल कॉलेज शुरू होने की जो भी कम से कम अर्हता होती है वो इसने पूर्ण कर ली है और बाकी लोकार्पण के बाद भी इसका काम जारी रहेगा। इस बारे में एटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आर के अग्रवाल ने बताया कि 30 जुलाई को प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज से 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे, जिसमें एटा मेडिकल कॉलेज भी शामिल है। साथ ही उन्होंने बताया कि फर्स्ट एलओपी में हमारी कार्यदायी संस्था ने 99% काम पूरा कर लिया है। फर्स्ट एलओपी में हमारी एनाटोमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के 3 डिपार्टमेंट भी होते हैं। 3 लैब, 2 लेक्चर थिएटर और लाइब्रेरी भी होती है, जो पूरी तरह से कंप्लीट कर ली गई है। हालांकि किताबों की प्रक्रिया अभी भी चालू है। तो बता दें, 30 जुलाई को प्रधानमंत्री एटा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे और इसके लिए अब काम को अंतिम रूप देने की स्पीड जो है वो ज्यादा तेज कर दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उद्धम सिंह नगर दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो आज पहली बार गृह जनपद भी पहुंचेंगे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने के लिए मिल रहा है। उनके स्वागत के लिए रुद्रपुर में जगह जगह बैनर, पोस्टर और भव्य गेट भी तैयार किए गए हैं, जिसके बाद सीएम रुद्रपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। वहीं 24 जुलाई को यानी कल वो पंतनगर से नगला के छास सितारगंज होते हुए अपनी विधानसभा खटीमा में भी
भी पहुंचेंगे। बता दें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर दौरे पर पहली बार पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन के साथ साथ संगठन के कार्यकर्ता भी तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी जिला कार्यकारिणी द्वारा जगह जगह स्वागत बैनर भी लगाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह रुद्रपुर के गांधी पार्क भी पहुंचेंगे, जिसके बाद बीजेपी जिला कार्यकारिणी और युवा मोर्चा द्वारा उनकी रैली के माध्यम से जगह जगह स्वागत भी कराया जाएगा। बता दें रैली का समापन जिला कार्यालय किच्छा रोड पर किया जाएगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कलेक्ट्रेट में जनपद के अधिकारियों संग बैठक भी की जाएगी। वहीं दोपहर बाद वो जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं संग बातचीत भी करेंगे और देर शाम वो पंतनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। साथ ही पंतनगर में रात्रि विश्राम के बाद कल 24 जुलाई को वो नंगला किच्छा सितारगंज नाम कमत्ता होते हुए अपनी विधानसभा खटीमा भी पहुंचेंगे। तो बता दें आज पुष्कर सिंह धामी का उधम सिंह नगर दौरा है, अपने गृह जनपद वो जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद उनका यह पहला दौरा है और कल वो अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा का भी दौरा करेंगे और जगह जगह उनके आगमन के लिए पोस्टर बैनर्स लगा दिए गए हैं, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तैयारियां जो हैं वो काफी बड़े स्तर पर की गई हैं, पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। वहीं बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो काफी उत्साह में हैं पुष्कर सिंह धामी के स्वागत को लेकर। सारे मनमुटाव को नजरअंदाज करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नए प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के पदभार ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पर सहमति जता दी है। ये समारोह आज होना है। बता दें सिद्धू ने अब तक कैप्टन से माफी नहीं मांगी है। माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद कैप्टन ने समारोह में हिस्सा लेने का फैसला लिया है। साथ ही कैप्टन की शर्त थी कि सोशल मीडिया पर इस्तेमाल की गई अभद्र शब्दावली को लेकर भी सिद्धू के माफी मांगने पर ही वो उनसे बात भी करेंगे। कैप्टन ने अब तक सिद्धू को उनके प्रदेश प्रधान बनने पर बधाई भी नहीं दी है। सिंसवा से लौटकर विधायक कुलजीत नागर ने बताया कि कैप्टन ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है और सिद्धू के अलावा पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान कुलजीत सिंह नागरा, सुखविंदर सिंह डैनी, संगत सिंह गलजिया और पवन गर्ग भी आज ही अपना पदभार संभालेंगे। साथ ही समारोह में पंजाब प्रभारी हरीश रावत समेत सुनील जाखड़ और पार्टी के सभी विधायकों, मंत्री और सांसद भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो बता दें आज से नवजोत सिंह सिद्धू अपना पदभार संभालने वाले हैं, अपना कामकाज आज से संभालने वाले हैं। हालांकि शपथ जो आज वो लेने वाले हैं, कार्यभार संभालेंगे, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद रहेंगे। पिछले कई दिनों से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनकी तरफ से लगातार कैप्टन की तरफ से कहा जा रहा था कि जब तक सिद्धू उनसे माफी नहीं मांग लेते वो तब तक उनसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि कैप्टन ने निमंत्रण जो है वो स्वीकार कर लिया है और आज के कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे की अटकलों के बीच खुद मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने अपने एग्जिट के संकेत दे दिए हैं। येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी ने उनके काम पर भरोसा कर 75 की उम्र में भी काम करने के बावजूद मौका उन्हें दिया है। साथ ही 25 जुलाई को उनकी सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं, जिसके बाद एक कार्यक्रम भी रखा गया है। उसके बाद आलाकमान जो भी कहेगा वो उसे स्वीकार करेंगे। साथ ही पार्टी को वापस सत्ता मिलाने का काम भी किया जाएगा। उन्होंने अपने समर्थकों लिंगायत संतों का भी धन्यवाद किया और उनके सहयोग की अपील भी की। वहीं येदियुरप्पा के इस बयान से ऐसा लगता है कि आलाकमान को काफी राहत मिली होगी। वजह साफ है कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा तेज होने के साथ ही लिंगायत समुदाय से येदियुरप्पा के समर्थन में आवाज जो है वो अब उठने लगी है। वहीं विपक्ष कांग्रेस के भी बड़े लिंगायत नेता येदियुरप्पा के बचाव में आए हैं और बीजेपी आलाकमान को चेतावनी दी है कि लिंगायत समुदाय को नाराज न करे और येदियुरप्पा बड़े नेता होने के नाते उनकी डिग्निटी को बनाए रखें। इन नेताओं की लिस्ट में बड़े लिंगायत नेता एमबी पाटिल और श्यामानुर शिवाशंकर कप्पा भी शामिल हैं। इसके बाद लिंगायत समुदाय के कई संतों का येदियुरप्पा के घर जमावड़ा भी देखा गया और हर दिन एक एक दल उनसे मिलने भी पहुंच रहा है, जिससे लिंगायत के बड़े मठ सिद्ध गंगा मठ के सिद्धलिंगा स्वामी जी भी शामिल थे। बता दें आज भी करीब 500 संतों ने येदियुरप्पा के घर तक कल पैदल मार्च किया था और इसे येदियुरप्पा का
मसल भी कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि येदियुरप्पा सत्ता में बने रहेंगे। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा श्रील फिल्म बनाने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की हिरासत में हैं। इस पूरे पॉन रैकेट को लेकर गुरुवार को कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई थी। पता चला है कि 1.5 साल में राज कुंद्रा ने 100 से ज्यादा पॉन मूवीज बनाई थी और इनसे करोड़ों रुपए की कमाई भी की थी। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच ने अंधेरी वेस्ट स्थित राज कुंद्रा के वियान ऑफिस पर छापा मारा था, जहां से एजेंसियों को कई सारा डेटा भी मिला था। इसी को लेकर समझ सकते हैं कि ये डेटा टेराबाइट में है, और इतनी ही नहीं बहुत सारा डेटा तो डिलीट भी किया जा चुका है, जिसे क्राइम ब्रांच फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से रिकवर करने में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अश्लील फिल्मों के कारोबार में राज कुंद्रा अगस्त 2019 से थे, और तब से अब तक 100 से ज्यादा पॉर्न फिल्में वो बना चुके हैं। क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इन फिल्मों के जरिए कुंद्रा ने करोड़ों में कमाई भी की, और सूत्रों का ये भी कहना है कि जिन ऐप पर इन अश्लील फिल्मों को अपलोड किया जाता है उनके 20 लाख से आसपास सब्सक्राइबर भी हैं, और इसी वजह से कुंद्रा को करोड़ों की कमाई भी होती थी। साथ ही क्राइम ब्रांच का कहना है कि कुंद्रा ने वेबसाइट की बजाय ऐप इसलिए बनाई थी क्योंकि उसका इस्तेमाल करना ज्यादा आसान है। इसके अलावा वेबसाइट को बंद भी कर दिया जाता था, लेकिन ऐप के साथ ऐसा नहीं होता था। क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्रों ने यह भी बताया कि कुछ मॉडल और एक्ट्रेसेस हैं जो इस तरह की फिल्मों में ही काम करती हैं, और कुंद्रा उनका इस्तेमाल करते थे। तो बता दें, राज कुंद्रा क्राइम ब्रांच की हिरासत में है। हालांकि आज 23 जुलाई है और कोर्ट का फैसला आना है। अब आज पता चलेगा कोर्ट की तरफ से उनके ऊपर क्या फैसला लिया जाता है इस पूरे मामले में। लेकिन हिरासत के दौरान राज कुंद्रा की तरफ से कई बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा इस पूरे बिजनेस में साल 2019 से शामिल थे, और इस 1.5 साल के अंदर उन्होंने 100 से ज्यादा पॉर्न फिल्में बनाई हैं, और इसके जरिए करोड़ों की कमाई अब तक वो कर चुके हैं। सावन के महीने में गंगाजल लेने हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को 14 दिन के लिए वहीं पर क्वारंटीन रहना होगा। साथ ही उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा किसी और कार्य से हरिद्वार जाने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी दिखानी होगी। बता दें, इसके साथ ही हरिद्वार में प्रवेश भी दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा स्थगित करने के आदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार की एसओपी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड जीआरपी कर्मी गुरुवार को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को इस विषय में जागरूक भी किया। उत्तराखंड राजकीय रेलवे पुलिस ने आई हेड कांस्टेबल दलेर सिंह, कांस्टेबल राकेश कुमार और जयपाल सैनी ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जागरूकता से संबंधित पोस्टर भी चस्पा किए। गौरतलब है कि हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य है। वहीं रेल टिकट बुक कराने के बाद प्रत्येक यात्री के मोबाइल नंबर पर रेलवे की ओर से जागरूकता संदेश भी भेजा जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन IRCTC की वेबसाइट पर भी यात्रियों को दिखाई देगी। तो बता दें, कांवड़ यात्रा स्थगित कर दी गई है उत्तराखंड यूपी सरकार की तरफ से। लेकिन अगर कोई कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचता है, गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंचता है, तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अगर कोई अपने निजी काम के लिए हरिद्वार पहुंचता है तो उसे 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो दिखानी होगी। पेगासस जासूसी मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ एडीए समूह के एक वरिष्ठ अधिकारी का फोन भी कथित रूप से हैक किए जाने की आशंका है। गुरुवार को कई और नामों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें अनिल अंबानी का नाम भी शामिल है। हालांकि ये पुष्टि नहीं की जा सकती है कि अनिल अंबानी वर्तमान में उस फोन नंबर का उपयोग करते हैं या नहीं। इस बारे में फिलहाल एडीजी से रिपोर्ट के बारे में प्रतिक्रिया नहीं मिली है। दरअसल एक वेबसाइट के मुताबिक खबर थी कि जिस फोन नंबरों का अनिल
अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल धीरू भाई अंबानी समूह के एक अन्य अधिकारी ने इस्तेमाल किया। वो नंबर उस लीक लिस्ट में शामिल है जिसका विश्लेषण पेगागस परियोजना समूह के मीडिया भागीदारों ने किया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में दशा एविएशन के प्रतिनिधि विकेंट राव पोसीना साब इंडिया के पूर्व प्रमुख इंद्रजीत सियाल और बोइंग इंडिया के प्रमुख प्रत्युष कुमार के नवंबर में भी 2018 और 19 में कई अवधि में लीक आंकड़े में शामिल है। वहीं फ्रांस की कंपनी एनर्जी ईडीएफ के प्रमुख हरमनजीत नेगी का फोन नंबर भी लीक आंकड़ों में शामिल है। ये इस अवधि के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। तो बता दें पेगागस जासूसी कांड को लेकर आए दिन तमाम खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अनिल अंबानी का फोन भी हैक किया गया था। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि अनिल अंबानी अब भी वो फोन नंबर इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये बात सामने आई है कि अनिल अंबानी का फोन नंबर भी उस लिस्ट में शामिल है। पेगागस वायरस की चपेट में जो भी जितने भी फोन नंबर आए थे, जितने लोगों के नाम आए थे, उस लिस्ट में अनिल अंबानी का नाम भी सामने आया है। दुनिया भर में जोमैटो, पेटीएम, डिज्नी प्लस, सोनी लाइव, प्ले स्टेशन नेटवर्क के काम नहीं करने की वजह से गुरुवार की रात इसके यूजर्स को काफी दिक्कतें आई थी। करीब एक घंटे तक इसकी दिक्कत झेलने के बाद जब यूजर्स की तरफ से इसकी रिपोर्ट की गई तो इंटरनेट प्रोवाइडर एकमाई ने इसकी पुष्टि की कि इसमें दिक्कतें आई हैं। अब एक बार फिर से सभी साइट्स की सेवाएं बहाल हो गई हैं। बता दें इंटरनेट ट्रैकर डाउन डिक्टेटर के अनुसार गुरुवार की शाम करीब 8:55 पर यह दिक्कत शुरू हुई थी और 5 मिनट के अंदर करीब 3,000 लोग सिर्फ जोमैटो की ऐप और साइट्स को नहीं खोल पाए। इसी तरह अन्य सेवाओं के लिए भी इसी तरह की दिक्कतें आईं और डाउन डिक्टेटर के मुताबिक कुछ पॉपुलर गेमिंग सर्विस सिस्टम और PSN स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे कि डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, Z5 और सोनी लाइव के साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे जोमैटो, Amazon और पेटीएम की सेवाएं प्रभावित हुई थी। देश में लाखों की संख्या में लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए पेटीएम ऐप का इस्तेमाल करते हैं। वहीं मेट्रो टिकट की बुकिंग से लेकर बिजली बिलों के भुगतान तक लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट ऐप पेटीएम यूजर्स को गुरुवार की रात अचानक पेमेंट करते हुए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर के बारपोरा में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया है। उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर दिया गया है, साथ ही बाकी आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। बता दें मुठभेड़ कल रात से चल रही है और बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बारपोरा इलाके में कुछ आतंकी मौजूद हैं। इसके बाद 22 राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने वीरवार शाम इलाके को घेर लिया। वहां अंदर जाने और बाहर आने के सभी रास्ते सील कर घर घर तलाशी का काम शुरू किया गया। इस दौरान एक घर में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी और सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस बीच आतंकियों के रिश्तेदार मौके पर पहुंच गए। वहीं सुरक्षा बलों के साथ उन्होंने भी आतंकियों से आत्मसमर्पण की अपील की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सुरक्षा बल लाइट्स लगाकर अपने इलाके को घेर रहे थे और ताकि आतंकी मौके से भाग ना पाए। देर रात तक दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग भी होती रही, जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बता दें जम्मू कश्मीर में सोपोर में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और लगातार घर घर तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसके बाद आतंकियों की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन सुरक्षा बलों के हाथ ये बड़ी सफलता लगी और 2 आतंकवादियों को मार गिराया है।
नौवीं से बारहवीं के स्कूल खोलने के बाद हरियाणा में शुक्रवार को 6 से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल भी खुलेंगे। इसके लिए स्कूलों ने पूरी तैयारियां भी कर ली हैं। हालांकि इस दौरान कोविड नियमों का पालन करना होगा और रोस्टर के हिसाब से 50% तक ही विद्यार्थी आ सकेंगे। बता दें, स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी और शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को साइकिल से आने और अपने घर से पीने का पानी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही बच्चों को मिड डे मील भी नहीं दी जाएगी। वहीं कक्षा में डेस्क पर बच्चे का नाम अंकित होगा और आने और जाने के लिए अलग अलग दरवाजों का प्रयोग भी कराया जाएगा। एक कक्षा में 30 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। बता दें कि प्रदेश में 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए गए थे। इस समय प्रदेश में कोरोना के केस कम हो गए हैं और इसी के चलते अब अन्य कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोले जा रहे हैं। हालांकि अभी 1ली से 5वीं कक्षा के लिए विद्यार्थियों के स्कूल नहीं खोले गए हैं। तो बता दें, हरियाणा में सरकार ने फैसला लिया है, अब 6ली से 8वीं के स्कूल भी खोल दिए जाएंगे और तमाम प्रतिबंध जो है वो स्कूल की तरफ से किए गए हैं और एक क्लास में 30 से ज्यादा बच्चों को बैठने की अनुमति नहीं होगी। बच्चों को मिड डे मील भी नहीं दी जाएगी और पीने का पानी भी बच्चों से अपने घर से लाने के लिए ही कहा गया है। कोरोना के खतरे को देखते हुए 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व स्नान सांकेतिक होगा। श्री गंगा सभा और तीर्थ पुरोहित ही सांकेतिक रूप से पूजन कर स्नान करेंगे। हालांकि 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर गुरुओं के दर्शन कर आशीर्वाद लेने की अनुमति दी गई है। नेगेटिव रिपोर्ट से श्रद्धालु हरिद्वार तो आ सकेंगे लेकिन गंगा में स्नान नहीं कर पाएंगे। हर की पैड़ी समेत कई सभी घाटों पर पुलिस की कड़ी चौकसी भी रहेगी और कांवड़ मेला स्थगित होने के बाद हरिद्वार जिले के बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती को और बढ़ा दिया गया है। 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और 25 जुलाई से श्रावण मास भी शुरू हो रहा है। देश के अलग अलग कोनों में रहने वाले भक्त गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में रहने वाले अपने गुरुओं का पूजन करने आते हैं, लेकिन इस बार भक्तों को गुरु से आशीर्वाद लेने आने के लिए अपनी 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। साथ ही बॉर्डर पर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर ही प्रवेश भी दिया जाएगा। हालांकि इसके बाद भी गंगा स्नान पर रोक रहेगी और डीएमसी रविशंकर ने बताया कि इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। भारत के प्रथम श्रेणी अभ्यास मैच के दौरान काउंटी एकादश की ओर से खेलते हुए वो चोटिल हो गए थे। बता दें, मैच के दूसरे दिन मोहम्मद सिराज की गेंद पर वॉशिंगटन की उंगली में फ्रैक्चर हो गया है। इस दौरे पर शुभमन गिल और आवेश खान के बाद वॉशिंगटन सुंदर चोटिल होने वाले तीसरे खिलाड़ी हो गए हैं। युवा तेज गेंदबाज आवेश खान भी जरहम में खेले जा रहे इस अभ्यास मैच में चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए थे। काउंटी एकादश की ओर से खेलते हुए उनके बाएं अंगूठे में चोट आई थी। वहीं बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि हां, वॉशी की उंगली में भी आवेश की तरह फ्रैक्चर हुआ है। आवेश के अंगूठे की हड्डी अपनी जगह से खिसक गई है और दोनों टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं और स्वदेश भी लौटेंगे। सूत्र ने कहा कि उन्हें फिर से गेंदबाजी करने में लगभग 5 सप्ताह का समय लगेगा और ऐसे में उनका यहां रुकने का कोई फायदा नहीं होगा। सिराज की शॉर्ट गेंद पर वॉशिंगटन की उंगलियों पर चोट की गंभीरता का पता उनके पवेलियन लौटने पर ही चला और जब उनका दर्द असहनीय हो गया तो वॉशिंगटन या आवेश पहले टीम के नियमित सदस्यों में से नहीं थे, लेकिन नेट गेंदबाजों के रूप में वो इसके अभिन्न भी अंग थे। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट पदार्पण करने वाले तमिलनाडु के हरफन मौला खिलाड़ी अपनी बेहतर बल्लेबाजी क्षमता की वजह से हालांकि दौरे पर किसी समय टीम का हिस्सा नहीं बन सकते थे। वहीं खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलंपिक का शुभारंभ आज से हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से 1 साल तक स्थगित रहने के बाद अब इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए दुनिया भर के 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी जापान की राजधानी टोक्यो पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को इस बड़े विश्व स्तरीय टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह को एक सीमित और कई तरह की पाबंदियों के बीच आयोजित किया जाएगा। बता दें, ऐसे में जान लेते हैं कि इन खूबसूरत समारोह के आयोजन को यहां कैसे और देख सकते हैं। दरअसल समारोह का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया
जाएगा। अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषा में फैंस लाइव एक्शन का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा फैंस डीडी स्पोर्ट्स पर भी इसे देख पाएंगे और टोक्यो 2020 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारतीय दल 21वें नंबर पर रहेगा। साथ ही भारतीय दल के ध्वजवाहक मुक्केबाज मैरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भी इसमें शामिल होंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।